तो भाई देखो यार सबसे ही पहले मैं आपको बताऊंगा कि सेंसिविटी में आपको एक छोटा सा चेंजेस करना है देखो जनरल सेंसिविटी को आपको 100 रखना है चाहे आपके पास दो जी का डिवाइस है या फिर आपके पास बारह जी रैम का डिवाइस है तो आपको जनरल सेंसिविटी को यहाँ पे 100 रख देना है और जो रेड डॉट का सेंसिविटी आता है रेड डॉट का सेंसिविटी को आपको रखना है एट्टी तो भाई इतना सा ही छोटा चेंजेस आपको सेंसिविटी में करना है तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि रनिंग एनिमी को आपको वन टैप मारने के लिए डेजर्टिगल से आपको एम को कहाँ पे लॉक करना है तो आप लोग ये वाले वीडियो क्लिप देख सकते हो यहाँ पे एनिमी रनिंग मूवमेंट पे राइट साइड में भाग के जा रहा था तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एम को व्हाइट रखा हाँ भाई आपको एम को व्हाइट रखना है अगर आप लोग एम को रेड करके वन टेप मारने की कोशिश करोगे डेजर्ट ईगल से तो वहाँ पे आपका एम एनिमी के बॉडी पे चिपक जाएगा आप लोग रनिंग एनिमी को वन टैप नहीं मार पाओगे तो रनिंग एनिमी को डेजर्ट ईगल से वन टैप मारने के लिए आपको आपको एम को एनिमी के पैरों के नीचे रखना पड़ेगा व्हाइट करके ठीक है ना और उसके बाद क्या करना पड़ेगा उसके बाद आपको बिल्कुल स्टील खड़े होना है और एनिमी जिस डिरेक्शन पर भाग के जा रहा है तो उसी डिरेक्शन पर आपको सिर्फ फायर बटन को ड्रैग कर देना है तो आपका एम डायरेक्ट एनिमी के हेड में जाके चिपक जाएगा और आपका डेजर्ट ईगल से वन टेब एड बहुत ही आराम से वर्क कर जाएगा आपका एम एकदम परफेक्ट लॉक हो जाएगा तो भाई देखो रनिंग एनिमी को वन टैप मारने के लिए आपको एम को एनिमी के पैरों के नीचे वाइट करके रखना पड़ेगा तो यही सेम चीज अगर कोई एनिमी स्टील खड़ा है तो वहां पे आपको एम को एनिमी के पैरों के नीचे रखना है और एम को व्हाइट करके रखना है उसके बाद आपको स्टील खड़े होना है फिर फायर बटन को आपको ऊपर की ओर ड्रैग करना पड़ेगा लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और टिप्स देना चाहता हूं भाई हम लोग जब भी वन टैप के गन यूज करते हैं जैसे कि एम फाइव हंड्रेड उट पेकर ड्रैगन ऑफ कुछ भी वन टैप के गन यूज करते हैं तो वहां पे हम लोग फायर बटन को ना हल्का सा ड्रैग मारते मतलब वहां पे भी हम लोग एम को व्हाइट ही रखते हैं लेकिन वहां पे हम लोग हल्का सा ड्रैग मारते लेकिन आप लोग जब डेजर

पहली बार वन टैप मारने की ट्राई करा तो यहाँ पे मेरा एम एनिमी के बॉडी पे चिपक गया और मेरा वन टैप यहाँ पे नहीं लगा लेकिन मैं अपने जो एम यहाँ पे चिपक गया है मैं उस एम को फिर से अनलॉक नहीं किया मतलब व्हाइट नहीं किया एम को एनिमी के बॉडी पर लॉक रहने दिया और यहाँ पर मैंने जॉयस्टिक बटन को यूज़ करके थोड़ा सा मूवमेंट किया उसके बाद फिर से मैंने यहाँ पर स्टील खड़ा हुआ और फिर जैसे ही वन टैप मारने की ट्राई करा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरा वन टैप यहाँ पर बहुत ही आराम से वर्क कर गया तो भाई इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से समझ

वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय भाई।, भाई मजा आया